ना द पिलर्स ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस मोटी मोटी बातें जो जरूरी हैं नंबर वन अकाउंटेबिलिटी इज ए लाइबिलिटी टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ वंस डिसीजन टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ द अदर रिस्क एंड रिटर्न देखिये कोई भी बिजनेस है उसमें रिटर्न के लिए हम करते हैं कि मैं कुछ उसमें से बचे पैसा लेकिन रिस्क इज देयर जूँ ही आपने बिजनेस शुरू किया यू हैव टेकन द रिस्क तो क्वेश्चन ये है कि जो रिस्क आप ले रहे हैं और उससे जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें एक बैलेंस तो होना चाहिए ये नहीं कि बहुत सारा रिस्क लें और रिटर्न ना हो ये गलत बात है वी मस्ट बी अकाउंटेबल कि अगर हमने एक रिस्क लिया है एक बिजनेस शुरू किया है तो उसके लिए जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होनी चाहिए और इसमें अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल्स की है यानी जो भी इंचार्ज है चेयरमैन से ले कर डायरेक्टरों से ले कर मैनेजर से ले कर हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी है कि हर शख्स जो है अपने एक्शन का अकाउंटेबल है ट्रांसपेरेंसी मीन्स द क्वालिटी ऑफ समथिंग विच अनेबल वंस टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ इजीली। ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है आपका इनसाइड आउटसाइड क्लियर होना चाहिए ये नहीं है कि कंपनी के अंदर तो कुछ चल रहा है और जब हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो दैट इज समथिंग एल्स नो दैट इज एब्सोल्यूटली नॉट एक्सेप्टेबल ट्रांसपेरेंसी इज़ अ मस्ट हम जब अकाउंट्स बनाते हैं या बनते हैं पब्लिश के लिए तो उसमें बहुत टाइम लेते हैं वो इसलिए टाइम लेते हैं कि हम ये देख रहे होते हैं कि जी अगर एक ही सेक्टर है लेट से टेक्सटाइल तो एक यूनिट ने अपने अकाउंट्स क्या प्रेजेंट किए हैं इस साल तो दूसरे फिर ट्रेंड फॉलो करते हालांकि ये गलत है आप अपनी कंपनी का देखें कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है अकॉर्डिंगली आप एक्सप्लेन करें और उसको प्रेजेंट करें रादर देन के आप एक ट्रेंड फॉलो करें नो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इंडिपेंडेंस मीन फ्री फ्रॉम इंफ्लुएंस ऑफ अदर्स यानी आपको कोई मजबूर नहीं करे कि जी ये ऐसा करें आप नो no. आपने किसी के इन्फ्लुएंस में रहकर काम नहीं करना आपने वही बताना है जो आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है और ये गलत तो अननेसेसरली किसी के दबाव में आकर कोई भी काम आपने नहीं करना इसमें था वो डायरेक्टर हो ता वो एक छोटा वर्कर हो देखिए बाज होता है ना कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कहता है या मैनेजर कहता है कि ये का ऐसा कर दें लेकिन अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है तो यू कैन रिफ्यूज़ बल्कि ट्राई टू से नो आल्सो। हमारे यहाँ रिवाज है कि हम नो no नहीं कहते जो भी कहते हैं कर देते हैं no. नो आप अगर समझते हैं कि ये काम गलत होगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्ट्रेट अवे से नो और इसमें कोई हर्ज नहीं है आप जब नो no कहते हैं और ऐसा नहीं है कि जो आपको निकालते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं

मैं आपको कहता हूँ स्टेक होल्डर्स का वर्ड यूज करें कंपनी जो कुछ भी कर रही है उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं अब देखिए बैंकर जो है उसने आपको लोन दे रखा है वो तो आगे नहीं देख रहा कि आप क्या कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट क्या है कि उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट uh, जो है टाइमली मिल जाए उसके पैसे महफूज लेकिन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल ज़ाहिर है इसमें आप कहेंगे जी फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है तो ही मस्ट कीप इन माइंड जी आई एम आंसरेबल टू बैंकर आल्सो तो ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को आप फेयर रखें कि कहीं पर देखिए अगर प्रॉब्लम आ जाती है एल्ड से फर्ज करें किसी वजह से आप एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे होते हैं तो प्रोएक्टिव अप्रोच फॉलो करें जाए बैंक के पास एक्सप्लेन करें अपनी प्रॉब्लम एंड टेल दम के जी इस इस पीरियड की हम इंस्टॉलमेंट आपको नहीं पे कर पाएंगे अगले पीरियड में पे कर देंगे एक्सेप्टेबल लेकिन ये है कि जी आपके ऊपर चढ़ जाए और फिर आप जाकर रिक्वेस्ट करें फिर नहीं बात बनती है तो ये है फेयरनेस का मामला कि अगर यू फील समथिंग इज गोइंग रॉन्ग तो बेटर टेक द डिसीजन एंड देन समेक ये इस तरह से होना चाहिए रिस्पॉन्सिव इक्विटेबल इन इंक्लूसिव एंड फॉलो रूल सिंपल है देखें रूल्स जो भी डिसाइड किए हुए हैं वो उनको फॉलो करें मसलन देखें हमारे यहाँ दो डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी में एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन मेमोरियल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के बाहर के लोगों के साथ यानी बाहर कंपनी जो भी करने जा रही है उसमें ऑब्जेक्टिव क्लॉज है कि ये काम आपने करना है ये नहीं करना है लेकिन जो आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन है वो इंटरनली जो डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी के अफेयर्स रन करने हैं उसके मुताबिक करना है उसमें डायरेक्टर्स की पावर डिफाइंड होती हैं कि आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते अगर फर्स्ट करें उसमें लोन भी लेना है तो उसमें भी डिफाइन कर देंगे आप इतनी अमाउंट तक का लोन ले कर जाएँ तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि इक्विटेबली जो आपका है उसको देखें पार्टिसिपेटरी कंज्यूमर ओरिएंटेड अभी जो कंज्यूमर में क्या है कि जो लोग आपके अकाउंट्स को पढ़ते हैं देखते हैं उनकी बेस पे डिसीजन लेते हैं उन सब की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए आप उन सबको इनवाइट करें लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक दफ़ा होती है अब मुझे बताएं कि सारा साल अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको कौन देख क्योंकि साल में मीटिंग होनी है वो तो, तो, तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर देखिए ना अब ज़रूरी था अगर हमने आपने कोर्स पढ़ा इंटायरम रिपोर्टिंग उसकी रीज़न क्या थी वो यही कि भाई साल के एंड तक तो पता नहीं क्या हो जाए तो इसलिए बेहतर है कि आप देर एंड देन उन सबको इन्वॉल्व करें उन सबकी पार्टिसिपेशन लें उनको बुलाएं आप जितने उनको बताएंगे लेकिन लोग इतने बुरे नहीं हैं कि जी आपके साथ वो लड़ाई झगड़ा करेंगे ऐसा कुछ नहीं होता इफ़ यू आर रॉन्ग सम टू टेल देंग इंसान ही है ना हम सारे मिलकर देखिए डिस गलत भी तो हो सकता है ना हम प्रोजेक्शन देते हैं बाज का तो प्रोजेक्शन कहीं गलत भी तो हो सकती हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उनको वो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस डिप्रेस करेंगे नहीं आप पार्टिसिपेटिंग अप्रोच के साथ चलें ना टू सेव गार्ड इट्स एसिड्स एंड एनहानस देशी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ए कंपनी फॉलो स्पेसिफिक कंट्रोल प्रिंसिपल ये है कि जी आपने कंट्रोल्स जो हैं इंटरनल कंट्रोल जिसको हम कहते हैं कि वो फॉलो कर लें इंटरनल कंट्रोल मेयर्स अडॉप्टेड बाय अ कंपनी वेरी विद द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड विद मैनेजमेंट्स कंट्रोल फिलॉसफी हाउ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अप्लाई टू द मोस्ट एंटरप्राइज देखिए ये तो ज़रूरी है कि अगर आप इंटरनल कंट्रोल फंक्शंस नहीं रखते हैं बल्कि जो हमारे ऑडिटर आते हैं ना तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं कि आपके इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं कि इंटरनली आपने क्या सेट रखे हैं कहाँ कहाँ पर आपने कंट्रोल रखे हुए ऐसा तो नहीं है कि एक ही आदमी सारे काम करता चला जा रहा है और वो जो चाहे करता चला जाए ऐसा नहीं होना चाहिए देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नंबर वन क्या है कि आप हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें जैसे मैंने कहा ना कि हर एक की चार्जीट बना दें चार्ज शीट बना दें कि जी आपके जिम्मे ये 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 काम है और ऐसे आपने इसको परफॉर्म करना है टाइम लिमिट के साथ हर जगह सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ड्यूटी को बांट दें मस देखें आ, कैश की अगर मैं बात करूं तो एक ही आदमी को आप कैश कलेक्शन पर लगा दें कैश डिस्पर्समेंट पर लगा दें बैंक के साथ उसको लगा दें गड़बड़ हो जाएगी आप रसीट जो है वो किसी और के ज़िम्मा होनी चाहिए और पेमेंट्स जो है वो किसी और के ज़िम्मे होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा जो है वो सारे काम करता चला जाएगा नहीं वो गलत कर सकता है चेक और बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि आप ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट करें अच्छा फिर ये कि रिकनसिलेशन कौन करेगा बैंक कि कितने पैसे आए कितने खर्च हुए वो उसके लिए भी एक अलग से आदमी होना चाहिए ताकि ये ना हो कि बैंक के अकाउंट्स में और आपकी बुक्स में डिफ्रेंसिस हैं और आप बस ऐसे बना के भेज दें आगे नो no. एक थर्ड पार्टी जो है उसको देखे कि रिकनसाइल वो करके देखे कि देखेंसाइलेशन ठीक है या नहीं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर अब तो खैर कंप्यूटर पर सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन पहले ये होता था कि पेपर पर सारी चीज़ें होती थी तो डॉक्यूमेंटेशन यानी एक एक ले चेन जो है ना डॉक्यूमेंट्स की वो ज़रूरी है देखिए आप एक रसीट इशू करते हैं तो उसका नंबर होता है उस तो डेट होती है तो किस को इशू की गई है कितने किस चीज़ के लिए इशू की गई है वो सारा मेंशन होता है तो एक सीक्वेंस में वो रिसीट आपके पास सब सब होनी चाहिए ताकि डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो एक मशीन आप खरीद कर ला रहे हैं तो देखिए इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है फिर आगे कंपनी में आ रहा है उसको आप इंस्टॉल करवा रहे हैं पूरा एक रजिस्टर मेनटेन किया जाता है तो ये डॉक्यूमेंटेशन की बात फिजिकल मैकेनिकल एंड एलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल अब तो सारे चल रहे हैं देखिए तो फिजिकली है कि ये कि एक बंदे की रिस्पॉसिबिलिटी की जी आपने इसको टेक केयर कर आप उसके ज़िम्मे लगा देते हैं उसकी मतलब देखिए स्टाफ को हम गाड़ी दे देते हैं कि भाई आप इसको चलाएं ये आपके आप तो फिज़िकली वो कंट्रोल करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इसको जैसे चाहे कंट्रोल कर ले जैसे चाहे चलाए उसके लिए मेंशन कर दे कि ये बिजनेस के लिए है या फैमिली के लिए है इतना पेट्रोल आपको मिलेगा सारे डिटेल्स को देगा फिजिकली मकैनिकली मकैनिक से अगेन मशीनस के बाद है और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल तो देखना है अब देखें कंप्यूटर में तो बड़ी आसानी है कि अगर आप कोई चीज़ गलत करते हैं तो आगे जाने ही देता वो कहता है, रुक जाए यहीं ठीक करें पहले तो ये है असल में कंट्रोल की बात कि अब जो है ना ऑटोमेटिक है सारा ऐसा नहीं है कि आप मिस्टेक करें और काम आगे चलता जाएगा नहीं वहीं रुक जाता है काम रुक जाता है इंडिपेंडेंट इंटरनल वेरिफिकेशन ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इंटरनल वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आप खुद से इंडिपेंडेंटली के भी चेक करवा सकते हैं चीज़ों को मतलब देखिए रसीद आपके पास आई है तो आप टेलीफोन करके ही पूछ सकते हैं जी, कि रसीद में आपने इतने पैसों की बना के भेजी है इसमें क्या चीज़ थी अदर कंट्रोल कैन बी मैनी अदर कंट्रोल्स टू क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं कि कहाँ पर कंट्रोल करें लेकिन again, control is most effective when only one person is responsible for a given task. when one individual is responsible for all the related activities, the potential errors and fraud is increased. when one employee maintains the records of an asset that should be on hand and a different employee has physical custody of the assets, custodian of the asset is not likely to convert the asset into personal use. personnel documents should be pre-numbered and all documents should be accounted for.